देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन कर सीधे वहां के हालातों की जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और तमिलनाडु सीएम से बात की है, जिससे कोरोना संकट को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्रियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट को लेकर कल भी तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सीधे फोन पर बात करने का कार्यक्रम बनाया। हालांकि पिछली बार हमने देखा था कि वर्चुअल मुख्यमंत्रियों की मीटिंग उन्होंने ली थी और सामूहिक रूप से चर्चा उन्होंने की थी क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, लेकिन इस बार अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लॉकडाउन कर्फ्यू के नियम लगाए जा रहे हैं और ऐसे में अब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की जा रही है। जी बिल्कुल, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से फोन पे बात की, मणिपुर के सीएम से बात की, त्रिपुरा के सीएम और सिक्किम के सीएम से बात की, और आज इसी तरीके से जिस तरीके से आ रहा है कि एमपी के सीएम से शिवराज सिंह चौहान से, महाराष्ट्र के सीएम से उद्धव ठाकरे से बातचीत की है और राज्यों के हालात जानने की कोशिश की है कि राज्यों में किस तरीके के हालात है, केंद्र सरकार से उन्हें क्या कुछ उम्मीदें। हालांकि हेमंत सोरेन की तरफ से कल ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने केवल और केवल इस फोन कॉल में भी अपने मन की बात की है, उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि झारखंड जैसे राज्य को क्या कुछ चाहिए और क्या मुहैया कराया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं शिकायतें भी है कुछ विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री है उनको कि केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अलग अलग मुख्यमंत्री से बात करके अलग अलग राज्यों की क्या परेशानी है, क्या चीजें क्लियर की जानी चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से क्या मदद चाहिए, ये जरूर जानने का प्रयास किया गया। एक अच्छी पहल बताई जा रही है, जैसे कि अब तक वर्चुअल बैठक होती थी उसमें कंबाइंड मीटिंग में इतना समय नहीं होता था कि सभी सीएम अपनी बात कर सके, ढंग से बात को बता सके और उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द कर सके। अब ये फोन कॉल में ये हो सकता है कि एक नई पहल जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ओर से की गई कुछ नया हल निकल करके आ पाए। जी बिल्कुल, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं और उसके अकॉर्डिंग ही प्रधानमंत्री की ओर से बातचीत की जा रही है, हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। विदेशों से भी राहत सामग्री आ रही है, उसको लेकर भी राज्यों को निर्देश दिए जा रहे होंगे। जी बिल्कुल, विदेशों से राहत सामग्री आ रही है, राज्यों को निर्देश दिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार को राहत सामग्री जो विदेश से आई है उसमें कुछ ऑक्सीजन कंटेनर्स प्रोवाइड किए गए हैं। दिल्ली में दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल को ऑक्सीजन कैंटेलर दिए गए हैं और साथ में कहीं ना कहीं काफी जो मदद अलग अलग देशों से आई है उसमें दी गई है। महाराष्ट्र को भी इस तरीके की मदद दी गई है। ये भी कहा जा रहा है राज्यों की तरफ से, हालांकि कोर्ट ने भी इस मामले में सरकार से पूछा था कि जो विदेश से मदद आ रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसको बांटने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया कि जो यूएस से, सिंगापुर से जो मदद आई थी एयरपोर्ट पे ही 7 दिन तक वो जो सामान था वो रखा रहा, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना केंद्र सरकार की तरफ से तय नहीं किया गया था। अब केंद्र सरकार पहल कर रही है कि जल्द से जल्द जिस तरीके से चाहे वैक्सीन की बात करें या फिर मदद की बात करें राज्यों को जल्द से जल्द वो पहुंचाया जाए, जहां भी जिस राज्य को जरूरत है वहां समय पर पहुंचे और तत्काल जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों की तरफ से मांग भी की जा रही है वो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो ताकि कहीं ना कहीं कोई देरी ना हो, मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं, कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर